Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 7, that is outcomes of democracy. Our today's topic is economic growth and development. That is to say, we have to understand the economic growth and development in relation with democracy, how it is affected by democracy. Democracy माशी नशोनम को या तरक्की को इसको इसको आज में पढ़ना है जनरली हम क्या करते हैं जो डेमोक्रेसी होती है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोड्यूस करेगी गुड गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट इसी के साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं हमें मुनासिब समझते हैं कि डेमोक्रेसी से एक दिशा तरक्की भी होगी लेकिन हमें शवायद इस चीज़ के नहीं मिलते हैं डेमोक्रेसी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाती है अगर हम डेमोक्रेसीज या डिक्टेटरशिप्स की बात करेंगे पिछले पचास सालों की फ्राम नाइनटीन फिफ्टी टू टू थाउजेंड हमें ये दिखाई देता है कि डिक्टेट डिक्टेटरशिप्स जो हैं उनका जो इकनॉमिक ग्रोथ है दैट्स हायर जो उनकी माशी नशो है वो ज़्यादा है डिक्टेटरशिप्स की इनके बरकस डेमोक्रेसी के बरकस ये इनेबिलिटी जो है डेमोक्रेसीज की कि वो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं यह हमें फिक्रमंद करती है या परेशान करती है लेकिन ये ये सिर्फ एक रीज़न की बुनियाद पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा है किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड होती है जैसे हम बात करेंगे कंट्री की आबादी कितनी है ग्लोबल सिचुएशन क्या है जो आलमी सतह पर उनके हालात कैसे हैं ताउन किस तरह का ताउन है मुल्कों के दरमियान काप्रेशन किस मीर का है और किसी भी मुल्क की किसी भी इकॉनमी की प्रायोरिटीज़ क्या है तरजीहत क्या है इन चीज़ों पर किसी भी मुल्क का इकनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड होता है लेकिन जो डिफरेंस ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट है बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ विटरशिपस एंड डेमोक्रेसी नेगलिजिबल अगर हम जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की का तोज़न करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे अगर वो डीडरशिप होगी या डेमोक्रेसी होगी उनके दरमियान ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओवरऑल हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाइन बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट लेग बिहाइंड डीडरशिप इन सर्टेंट लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी इससे पीछे नहीं रहनी चाहिए इन कंपेरिजन टू डिक्टेटरशिप्स हमें एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी एक गारंटी नहीं है इकनॉमिक डेवलपमेंट की और हम हमें डिफरेंसेस जो रेट्स ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ हैं बिटवीन कंट्रीज़ अंडर डिटेटरशि एंड डेमोक्रेसीज वई वीट दर इज आर डिफरेंट दर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ बिटवीन डिटेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज उनमें जो शराइ uh, नशनुम है या शराय जो तरक्की की शरह है जो ग्रोथ करने की शरह है वो काफ़ी डिफरेंट है बिटवीन डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज लेकिन हम स्टल हम प्रेफर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को क्योंकि इसके आ, बहुत सारे हमें पॉजिटिव आउटकम्स हैं इकनॉमिक साइड में तो नहीं है उतनी ज़्यादा लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव आउटकम्स हम किस में देखते हैं डेमोक्रेसी में फ़ाइन अब हम देखेंगे इकनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हैं जो इकनॉमिक आउटकम्स इकतसादी जो नतज डेमोक्रेसी वो वो किस तरीके के हैं हमें द, काफ़ी दलाल मिलते हैं जैसे हम डिफरेंट आर्गमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी फाइन लेकिन बिकॉज हम वो कैसे हैं वो आर्गमेंट्स किस तरह इसके क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है डेमोक्रेसी वो काफ़ी अफीलिंग है और ये लेकिन ये डिबेट इस तरह से हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हम वी हैव टू सी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें हकाक देखने पड़ेंगे हमें एदाद शुमार का एदाद शुमार भी देखना पड़ेगा फैक्टर्स देखने पड़ेंगे हक देखने पड़ेंगे और फिगर्स देखने पड़ेंगे और जो डिबेट है रिगार्डिंग इकनॉमिक आउट डेमोक्रेसी ये भी ऐसा एक डिबेट है जिसमें हमें फैक्ट्स और फिगर्स देखने पड़ेंगे हमने साल साल क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी है उनने इंफॉर्मेशन गैदर की है रिकॉर्डिंग इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकनॉमिक इक्वल्टी जो जो इकतदी ग्रोथ है जो ग्रोथ किसी भी आप मुल्क में देखते हो किसी भी डेमोक्रेसी में आप देखते हो और उससे किस तरह से इकनॉमिक इनवलिटीज़ को वो कैसे अफेक्ट करता है जो इकतदी ना बराबरी है उसके साथ क्या रिलेशन है इकनॉमिक ग्रोथ की वो हम समझेंगे इन टेबलों की वजह के जरिए से इस टेबल में आप देखते हैं कि जो टेबल वन है यहाँ पर जो एवरेज डिक्टेटरशिप है या एवरेज डिक्टेटोरियल रजीम है उनका बेटर रिकॉर्ड है इकनॉमिक ग्रोथ में अगर हम रिकॉर्ड करेंगे इन अगर हम कंपेयर करेंगे इन पोअर कंट्रीज वहाँ पर अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे जो आप यहाँ पर देखोगे जो पोर कंट्रीजर डिटेटरशिप हैं फोर पॉइंट थ्री फोर पोर कंट्रीज़ अंडर डेमोक्रेसी फोर पॉइंट टू एट इट मीन्स की डिफ्रेंस जो है बिटवीन पोअर कंट्रीज वो डिटरशिप के अंडर हो या डेमोक्रेसी के अंडर हो वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन एवरेज जो डिटोरील रजीम होती है उनका रिकॉर्ड बेटर है इन कंपेरिजन टू डेमोक्रेटिक रुजीम्स इन कम्पेरजन टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ फ़ाइन यहाँ पर आप दूसरे टेबल में देखेंगे जो विद इन डेमोक्रेसी क्या होता है देर इज़ हाई डिग्री ऑफ इनवलिटी इनटी बहुत ज़्यादा है ना बराबरी काफ़ी ज़्यादा है अगर हम शेयर ऑफ इनकम की बात करेंगे जो टॉप ट्वेंटी परसेंट है उनका शेयर ज़्यादा है जो बॉटम ट्वेंटी इन द पैरामिड जो है वहाँ पर आप देखोगे उनका जो इकनॉमिक शेयर है वो काफ़ी कम है अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे इट्स अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट जो जो नेशनल इनकम है जो आमदनी है कौमी आमदनी है वो कंज्यूम करते हैं सिक्सटी फाइव परसेंट टॉप ट्वेंटी परसेंट कंज्यूम करते हैं सिक्सटी फाइव परसेंट तकरीबन और जो बॉटम है दैट ओनली टू पॉइंट नाइन इस तरह से रशिया की अब बात करेंगे फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन टॉप ट्वेंटी परसेंट और बॉटम ट्वेंटी परसेंट फोर पॉइंट फोर ब्राज़ील की हालत भी ख़राब है वहाँ पर जो टॉप ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी थ्री परसेंट जो नेशनल इनकम है वो कंज्यूम करते हैं और बॉटम ट्वेंटी परसेंट टू पॉइंट सिक्स परसेंट इस तरह से हम देखते हैं कि आ, जो नेशनल इनकम की जो शरह है जो इनिक्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देती है कि टॉप ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं और बॉटम ट्वेंटी परसेंट कम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं फाइन और लेकिन हम जो कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क और हंगरी होगा वहाँ पर हमें बेटर रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं सो लाइक दैट और इस कार्टून में आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इनिक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो पुअर लोग हैं उनके पास मौका नहीं होता है उनके पास वसाइल नहीं होते हैं इट मीन्स वो पहले ही से ले करते हैं इन द in the race for economic growth or and development so that's economic outcome of democracy that's all for today thank you very much